Welcome back to the channel. To this video I'm going to show you how to create a base effect in Adobe After Effects. So let's get started. Welcome back. So सबसे पहले आपको एक एडजस्टमेंट लेयर लेनी है. राइट क्लिक करेंगे, अपने टाइमलाइन पैनल के लेफ्ट साइड पर राइट क्लिक करेंगे और एक एडजस्टमेंट लेयर लेंगे. न्यू में जाएंगे और एडजस्टमेंट लेयर ले लेंगे. सो ये आपके पास एडजस्टमेंट लेयर है. उसके बाद आपने इफेक्ट एंड प्रीसेट्स के पैनल को ओपन करना है. इसके ऊपर आपने एक इफेक्ट लगाना है, डेट इज़ फास्ट बॉक्स ब्लर. सो आपको इधर सर्च करना है और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपनी एडजस्टमेंट लेयर पर. सो इधर इफेक्ट कंट्रोल में आप अपना इफेक्ट देख सकते हैं. सो इधर से आपको इटरेशन को 1 कर देना है, ब्लर रेडियस 100 और ब्लर डायमेंशन आपने वर्टिकल कर देनी है और रिपीट ईच पिक्सल पर टिक कर देना है. उसके बाद आपने एक ही फ्रेम आगे जाकर अपनी एडजस्टमेंट लेयर को स्प्लिट कर देना है. सो स्प्लिट करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट डी है. इसके अलावा आप एडिट में जाकर स्प्लिट लेयर भी कर सकते हैं. सो आपको 5 to 6 टाइम यही स्टेप रिपीट करना है. एक की फ्रेम आगे जाते जाना है और स्प्लिट करते जाना है. स्प्लिट कर लेने के बाद आपको एक एडजस्टमेंट लेयर छोड़कर दूसरी एडजस्टमेंट लेयर, फिर तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, इनको आपने डिलीट कर देना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट लेयर को छोड़कर सेकंड, थर्ड को छोड़कर फोर्थ, वन बाय वन इनको डिलीट कर देंगे. उसके बाद आप देख सकते हैं आपके पास ये एडजस्टमेंट लेयर है. एक की फ्रेम के बाद दूसरी एडजस्टमेंट लेयर आप देख सकते हैं. बेस इफेक्ट भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर. सो अगर मैं आपको ये जूम करके दिखाऊं, सो आप इसको इधर भी एडजस्ट कर सकते हैं. सिंपली सबको सिलेक्ट करेंगे, रिकम्पोज में जाएंगे और इधर आप कोई भी नाम दे लें जो भी आप चाहते हैं. मैं इधर बेस दे रही हूँ और इसको ओके कर देंगे. मेक श्योर आपके पास ये जो आइकन है इस पर आपने क्लिक कर देना है, डेट इज़ कोलैप्स ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ यू कैन क्रॉप. सो इसकी कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल डी शॉर्टकट, और इसको जितना आप चाहें अपनी वीडियो में एडजस्ट कर सकते हैं हम. सो मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देती हूँ. ये है हमारे पास बेस इफेक्ट दैट यू कैन सी. So guys, if you like my video, then don't forget to share, like and subscribe. So see you in the next tutorial.